वेलकम बैक टू माई चैनल जिसका नाम है मान किचन। तो न्यू ईयर आ चुका है, न्यू ईयर की शुरुआत क्यों ना हम मीठे से करें। तो बस इसे मीठी से शुरुआत देने के लिए मैं यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल से गाजर के हलवे की रेसिपी लाई हूँ जिसे हम प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं। इसमें हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है एंड रिजल्ट तो आप देख ही सकते हैं कितना स्वादिष्ट और कितना दानेदार हलवा बनकर तैयार हुआ है। तो बिना मेहनत के इस गाजर के हलवे को कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। लेकिन उसके पहले आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वो छोटे से बेल आइकन को भी दबा दीजिए, इससे आपको सारी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं गाजर के हलवे की रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो गाजर लिए जिन्हें मैंने धो लिया है और सुखा भी लिया है। तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि गाजर के हलवे बनाने के लिए ना हमेशा इस तरह के कि पतले गाजर ले, वो मोटे वाले ना ले। इन पतले गाजरों में ना अपनी एक मिठास होती है और एक फ्रेशपन होता है जिससे हलवे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। लेकिन ये जो मोटे वाले होते हैं ना उनमें बीच में एक येल्लो तरह का ना मोटा सा जड़ होता है, उनमें बहुत खटास होती है और हम उसके भी साथ गाजर को बना देते हैं। तो हमेशा ध्यान रहे कि पतले वाले गाजर ले, उससे आपका हलवा डिफरेंट बनेगा। तो इन्हें आप हल्का हल्का इस तरीके से छील ले, ज़्यादा ज़ोर से ना छीले वरना गाजर ही बाहर आ जाएगी, हल्के हाथों से छील ले। तो ये देखिए मैंने सारे गाजरों को जो है छील लिया है। अब इसका जो ऊपर का पोर्शन है और जो नीचे का पोर्शन है उसे काट कर अलग कर दे और गाजर को अपने हिसाब से अपने पसंद से किसी भी शेप में आप रफली काट लीजिए। आप छोटा भी काट सकते हैं, आप चाहे तो सिर्फ 2 टुकड़े में भी काट सकते हैं। आप छोटा या बड़ा साइज़ पे बिल्कुल भी मत जाइए, किसी भी साइज़ में काट सकते हैं। तो अब इन सारे गाजरों को हम डाल देंगे प्रेशर कुकर में। जी हाँ, हम हलवा प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं। तो ये देखिए मैंने डाल लिया है। अब 1 किलो गाजर में मैं यहाँ पर 1.5 कप शुगर डाल रही हूँ। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो 1 ही कप डालें। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 इलायची जिसे मैंने खोल लिया है या फिर क्रश कर लिया है। इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देंगे दूध। तो दूध की जगह आप यहाँ पे पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन दूध डालने से काफ़ी अच्छा स्वाद आएगा। तो 1 किलो में हम डाल रहे हैं 2 कप दूध। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ घी। यहाँ पे घी डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है लेकिन घी डालने से ना जो प्रेशर कुकर में सीटी आएगी, जो वो दूध है ना वो बाहर नहीं आएगा। मैं कुकर के ढक्कन पे इस सीटी वाले पोर्शन पे भी लगा दूंगी जो अंदर की साइड होती है, इससे जो हमारा दूध है वो सीटी आने पे बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है और आप ये दाल के साथ भी कर सकते हैं। तो बस आप मीडियम फ्लेम पर आप गैस को कर दीजिए ऑन और हमें लेनी है लगभग 4 से 5 सीटी। तो जैसी ही 5वीं सीटी आ जाएगी आप कर दीजिए गैस को बंद और कुकर को हमें अच्छे तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो ये देखिए सीटी आ चुकी है, कुकर को करना है ठंडा। थोड़ी ही देर में हमारा प्रेशर कुकर जो है वो पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा। तो अब जो है हम इसका ढक्कन जो है वो खोल लेते हैं। तो ये देखिए आप देखेंगे कि दूध जो है वो पूरी तरीके से गाजर में मिल चुका है। तो अब हम जो है एक मैशर लेंगे, उससे सारे गाजर को मैश कर देंगे। जी हाँ, तो ये देखिए मैंने सारे के सारे गाजरों को मैश कर लिया है, कुछ इस तरीके का पेस्ट जो है वो तैयार हो जाएगा और आप देख सकते हैं कितने दानेदार बने हैं। देखिए अब हम इसे जो है मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये जो इसमें दूध बचा हुआ है ना, जो लिक्विड सा है, बेसिकली हमें इसे पका कर थिक करना है यानी गाढ़ा करना है। तो धीरे धीरे जब आप इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे आप देखेंगे कि ये गाढ़ा होते जा रहा है और इसने पूरा जो दूध है वो ऑब्जर्व कर लिया है। तो अब स्टेज पे जो है मैं यहाँ पे डाल रही हूँ खोआ। खोआ यानी जो मावा होता है वो पूरी तरीके से ऑप्शनल है लेकिन अगर आप इसमें 1 कप खोआ डाल देते हैं यानी 100 ग्राम तो स्वाद जो है वो बढ़ जाता है। इसी के साथ मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, 4 बादाम, 4 काजू, 1 चम्मच चारोली और थोड़े से पिस्तास, इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। इन सारी चीज़ों को डालकर आप अच्छे से मिला लीजिए। अब खोए को भी हमें जो है अच्छी तरीके से भून लेना है जिससे उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए थोड़ी देर भूनने के बाद अब हमारा जो हलवा है वो प्रेशर कुकर को छोड़ दे रहा है यानी एक शेप पकड़ रहा है। तो इस स्टेज पे मैं 2 से 3 चम्मच घी डाल दूँगी। घी डालने से ना इसमें एक रिचनेस आ जाएगी, टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और एक फ्लेवर आ जाएगा घी का। तो ये देखिए हलवा एकदम तैयार है, पूरी तरीके से इसका शेप बन रहा है। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच कुटी हुई इलायची या फिर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। इस तरीके से कूट कर डालने से जो है ना
इलायची के दाने मुंह में आते हैं और बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो ये देखिए क्या टेक्सचर हो गया है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है हलवे में से कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। बस खुशबू से ही मुंह में पानी आ जा रहा है। तो हमारा गर्मा गर्म हलवा जो है तैयार है, इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, गैस को बंद कर दीजिए अभी। तो देखिए 5 से 10 मिनट के बाद आप देखेंगे इसका कलर कितना ज़्यादा बदल चुका है, कितना ज़्यादा रिच दिख रहा है ये, जबकि हमने इसे बिना घसे बनाया है। तो ये देखिए वाह, मुंह में पानी आ जाए, ऐसा मुंह में घुल जाने वाला हलवा तैयार हो गया है। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ आप इसे गार्निश करिए और बस ठंड में एक फ्रेश गाजर के हलवे को एंजॉय करिए। इस तरीके से अगर आप गाजर के हलवे को बनाएंगे ना, तो गाजर का हलवा बनाना बिल्कुल भी मेहनत का काम नहीं होगा। देखिए कितना अच्छा टेक्स्चर आया है। तो इस न्यू ईयर को एंजॉय करिए गाजर के हलवे के मिठास के साथ। थैंक यू।